लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही थी कि एक्चुअली जो ये टॉपिक्स हैं इनका अलग से शायद कभी एक पार्ट बन जाता है कन्वर्जन का, लेकिन ये टॉपिक्स आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो हम पहले कुछ बातें लास्ट क्लास की थोड़ा सा रिविजन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, लास्ट में हमने जो डिस्कशन की थी वो है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ और इसके बाद की स्लाइड हम पढ़ चुके हैं, वो हम जरा अब इसको डिस्कस करते हैं। देखें कि जितनी भी क्वांटिटीज और यूनिट्स हैं वो दो तरह की होती है। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों में ये बात बैठ जाए। यूनिट्स जो है वो दो होती हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हम कहते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी सेवन फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो फॉर्म कर ली गई हैं, और इन तमाम बेसिक क्वांटिटीज और बेसिक यूनिट्स के जरिए हम फर्दर जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं। जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो याद रखना बेटा कि वो डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन या डिविजन होती है। अब पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इट्स मीन दैट के सेवन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। तो सेवन क्वांटिटीज जो हैं वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इसके साथ जो है वो लुमिनियस इंटेंसिटी है। ये सेवन फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहलाती हैं, और इन फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज की जो है वो सेवन यूनिट्स हो जाएंगी। अब लेंथ का सिंबल है स्मॉल एल, हम लेंथ को स्मॉल एल से शो करते हैं, मास को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से, टेम्परेचर कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से और लुमिनियस इंटेंसिटी को आईवी से, ये इन क्वांटिटीज का सिंबल है। इनकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, या इसको हम एमकेएस को हमने नया नाम एसआई दिया हुआ है। लिहाजा इनकी जो यूनिट्स होंगी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकेंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है और लुमिनियस इंटेंसिटी की कैंडेला, और ये एमसीक्यूज में आता है। लिहाजा ये जो यूनिट्स हैं ये बेसिक्स हैं बेटा, और जितनी भी फर्दर हम यूनिट ऑब्टेन करेंगे और यूज करेंगे फिजिक्स में या इवन केमिस्ट्री में, वो तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड होती हैं, जो इनके जरिए ऑब्टेन की जाती है। लिहाजा अब हम पहले कुछ ड्राइव यूनिट्स की बात करते हैं। जो ड्राइव यूनिट्स हैं बेटा, वो भी हमने लास्ट में पढ़ी थी, थोड़ा सा इसको रिवीजन करा रहा हूँ। ड्राइव यूनिट्स क्या होंगी कि ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो बेसिक की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए हासिल होती हैं। कुछ यहाँ पर ड्राइव यूनिट्स की बात की गई है, लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वॉल्यूम है, एरिया, प्रेशर एंड वर्क, ये कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, और इनकी जो यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे वेलोसिटी को हम शो करते हैं स्मॉल वी से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं ए से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को हम शो करते हैं इसकी एफ से, यूनिट इसकी होती है न्यूटन, और न्यूटन के माने याद रखिएगा मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, इसके माने होते हैं न्यूटन। एरिया को हम शो करते हैं कैपिटल ए से, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को कैपिटल वी से, यूनिट इसकी क्यूबिक मीटर, क्यूब कहते हैं थ्री को और स्क्वायर कहते हैं टू को। प्रेशर जो है ये होगा इसको हम शो करते हैं कैपिटल पी से, और इसकी यूनिट होती है पैस्कल, पैस्कल होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात वाजे की थी, थोड़ा सा मैं
आज आपको और रिवीजन करवा दूं इसी में, ताकि आपके जहन में रहे कि न्यूटन जो है, न्यूटन न्यूटन जो है बेटा, न्यूटन हम कहते हैं, पहले आप न्यूटन को देखें, न्यूटन हम कहते हैं मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली यहाँ जो यूनिट्स की मिसाल दे रहे, देखिएगा जरा इसको अच्छी तरह समझिएगा, जैसे कि लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये तो बेसिक यूनिट्स आ गई। अब अगर आप नोट करें तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर लेंथ की, सेकंड टाइम की, इन दो यूनिट से मिलकर ये बन गई। इस तरह न्यूटन, न्यूटन बेसिकली याद रखना, न्यूटन जो है ना ये होता है मीटर, फिर किलोग्राम, और उसके बाद पर सेकंड स्क्वायर। पर के माने होते हैं डिवाइड के, पर के माने डिवाइड के। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ देखिएगा कि पैस्कल, पैस्कल बेसिकली, पैस्कल क्या होता है बेटा, पैस्कल होता है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ये होता है पैस्कल, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप पैस्कल को एक्चुअल देखना चाहोगे तो न्यूटन हमने क्या बताया आपको कि मीटर इनटू किलोग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी मीटर स्क्वायर मौजूद है, तो ये मीटर से एक मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पैस्कल होगा किलोग्राम पर मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअली पैस्कल बन गया। तो याद रखिएगा कि न्यूटन को हमने ट्रिब्यूट देने के लिए न्यूटन के नाम पर, ये यूनिट फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन के नाम पर रखी गई है, बेसिकली होती है मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह एक क्वांटिटी है वर्क, वर्क की यूनिट, वर्क को हम शो करते हैं डब्ल्यू से, और वर्क की यूनिट होती है जूल। जूल के माने होते हैं बेटा न्यूटन इंटू मीटर, तो आप जूल्स को भी देख सकते हैं, जूल के माने होते हैं न्यूटन इंटू मीटर, जूल के माने होंगे न्यूटन इंटू मीटर। लिहाजा अगर आप जूल को देखें तो जूल क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो जूल क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी डायमेंशंस कहलाती हैं कि जो हमने ओपटेन की हुई है बेसिक यूनिट्स, यानी जितनी भी अदर यूनिट्स आएंगी, जितनी भी आप यूनिट्स पढ़ेंगे वो 7 बेसिक यूनिट से ओपटेन की गई हैं, उनको मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके। तो 7 बेसिक यूनिट्स हमने पढ़ ली, और उसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं वो तमाम के तमाम बेसिक यूनिट जो है के जरिए ओपटेन होती हैं, और जो बेसिक यूनिट्स के मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के जरिए ओपटेन होती है उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ 3 फंडामेंटल, लेंथ, उसके बाद मास और टाइम, और आप बाकी जितने यूनिट्स बन रही हैं वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड के थ्रू बन रही हैं। तो अगर कोई नया नाम दिया जाए, जैसे न्यूटन नाम दे दिया गया, पैस्कल कह दिया गया, जूल, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया, तो हमने यूनिट का नाम इनके नाम पर रखा। तो न्यूटन के एक्चुअल माने, ये एमसीक्यूज में आता है बेटा, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में आएगा कि न्यूटन इज इक्वल टू डैश। तो एक्चुअली न्यूटन के माने क्या हो जाएंगे, मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। जूल्स के माने क्या होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल्स किसके इक्वल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और पैस्कल जो है, पैस्कल इक्वल होगा किलोग्राम पर मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। ये अच्छी तरह याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज की शक्ल में इम्तिहान में आते हैं, न्यूटन बहुत दफा पूछा गया है, लेकिन फर्दर यूनिट भी बेसिक यूनिट की शक्ल में पूछी जा सकती है, इसको अच्छी तरह से आपने जहन में रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हम क्वांटिटीज यूज करते हैं बेटा, जो हम क्वांटिटीज यूज करते हैं, जैसे कि अब हम आते हैं, जो हम जितनी क्वांटिटीज हम यूज करते हैं उसमें कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्जर होती हैं,
कुछ क्वांटिटीज बहुत स्मॉलर होती हैं, बहुत लार्जर क्वांटिटीज होती हैं, और कुछ जो है बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं। अब जैसे मैं आपको पहले इसकी एक मिसाल दूं, एक जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्वांटिटी लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है, ये जनाब देखिएगा ये क्वांटिटी लिखी हुई है, एक क्वांटिटी आपके पास ऐसे लिखी हुई है। अब ये जो स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटीज हैं, इनको लिखना, इनको पढ़ना, इनको समझना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हमने साइंस को इजीएस्ट वे में करने के लिए जो लार्जर या वेरी स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं, हमने उनको पावर ऑफ 10 में चेंज कर दिया। जैसे इस क्वांटिटी को अगर हम लिखना चाहें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा हम लिखेंगे ये 10 की पावर 6, जितने जीरो हैं इतनी पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा 1, यहाँ पॉइंट भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -6। इसको आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻¹। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर वही आ जाना है, 1 × 10⁻¹, बात एक ही है, ठीक है। लिहाजा आप इसको 1 × 10⁻⁶ को आप सिर्फ 10⁻⁶ लिख सकते हैं, और 1 × 10⁻¹ को आप सिर्फ 10⁻⁶ लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत छोटी क्वांटिटीज अगर मैं और इसको स्मॉलर कर दूं, लाइक जैसे देखिएगा ये बहुत आसान से तरीके, बहुत सारी चीजें आ गई, ये बहुत सारी चीजें, ये देखिएगा ये 4, अब क्या लिखेंगे, पॉइंट काउंट करना बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको बार बार ऐसे लिखने का हम क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻¹⁻ हम लिख देंगे। अब इसके माने ये हुए कि जो स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं, बहुत छोटी होती है, जैसे इतनी बड़ी क्वांटिटी तीसरी वाली लिखी हुई है, अगर आपको इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, बार बार लिखना हो, तो एक काफी इरिटेटिंग वर्क होगा आप इतनी बड़ी और छोटी वैल्यूज को जिसमें बहुत सारे नंबर है आप बार बार लिखें। इसके मुकाबले में 4 × 10⁻¹⁷ को लिखना और पढ़ना आसान है। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, पॉइंट, फिर 0 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 4, आप बहुत मुश्किल काम हो गया, जबकि 4 × 10⁻¹⁷ बहुत आसान हो गया। इसलिए हमने साइंस में जो बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं और जो बहुत लार्जर क्वांटिटीज होती हैं, हम उनको यूज करते हैं पावर ऑफ 10 में। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, पावर ऑफ 10 जो है ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर बड़ी वैल्यूज हैं, लार्जर वैल्यूज है, तो हम पावर ऑफ 10 को लिखते हैं प्लस में, और अगर स्मॉलर वैल्यूज पॉइंट्स की शक्ल में लिखी हुई हैं, बहुत स्मॉलर वैल्यूज हैं, तो हम पावर ऑफ 10 को लिखते हैं माइनस में। जैसे आप देखें ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, इस वैल्यू को जो है आप देखिएगा कि हमने लिखा हुआ है पावर ऑफ 10 में, इस वैल्यू को हमने लिखा हुआ है, ये देखिए ये वैल्यू जो है इसको हमने पॉइंट में है तो पावर माइनस में, ये पॉइंट में है तो पावर माइनस में, ये विदाउट पॉइंट लार्जर वैल्यू है तो इसकी पावर जो आप देखिए हमने प्लस में लिख दी, ठीक है बेटा। लिहाजा जो लार्जर वैल्यूज हैं उनकी पावर प्लस आती है, जो स्मॉलर वैल्यूज हैं उनकी पावर आती है माइनस में। बड़े क्वेश्चंस में इसे हमने कन्वर्ट करना है, इसे हम केमिस्ट्री में भी कन्वर्ट करेंगे और इसे हम फिजिक्स में भी कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो पावर ऑफ 10 है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, जो पावर ऑफ 10 है ना बेटा, इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक पावर के नाम लिख दिए, जिसको हमने इसमें नाम लिख दिए, ताकि इसको आपने पढ़ने में आसानी हो। जैसे अगर पावर जो है ये अगर 6 है, तो हम पावर 6 को जो है मेगा पढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक पावर के नाम लिखे गए, ये आपने ध्यान में रखना है कि इस स्पेसिफिक पावर जो है इसके क्या नाम होंगे, इसको आपने ध्यान में रखना है। इन तमाम पावर्स को आपने ध्यान में रखने कि इन पावर के हमें क्या नाम हमने रखने, इसको आप रखिएगा ध्यान में। लिहाजा अब जनाब अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि इन पावर्स को आपने याद रखना है, इन पावर्स को
कि ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन पावर्स को हमें याद रखना पड़ेगा कि इनके जो नाम है बेटा, इनके नाम किस तरीके से रखे गए हैं। अब जैसे कि इसके बाद जो है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज कट। अभी हमारी आवाज क्लियर हो रही है? यस सर। ओके ओके क्या हो गया? ओके, तो अब इस पावर के हमें कुछ पावर को हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा, अब देखें थोड़ा सा इसमें ये इस वक्त ये जो है वो डिलीट नहीं हो रहा, तो आप यहां से देखिएगा इन पावर को जो मैंने आपसे कहा था कि हमने इन पावर के जो है वो कुछ स्पेसिफिक नाम लिखे। जैसे 10 की जो पावर है, इस 10 की पावर के हमने कुछ स्पेसिफिक जो है वो नाम लिखे हमने, इसको जरा आपने याद रखना है बेटा। जैसे अगर पावर ऑफ 10 के हम इसको प्रीफिक्स कहेंगे बेटा, इन्हें हम नाम देंगे प्रीफिक्स। कैसे नाम दिया जाएगा और प्रीफिक्स में क्या होगा, देखिएगा जरा कि प्रीफिक्स के अंदर आपको पावर ऑफ 10 को याद रखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर पावर ऑफ 10 प्लस 1 है तो इसको हम कहते हैं डेका। अगर पावर ऑफ जो है 10 प्लस 1 है इसको हम कहेंगे डेका। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 2 है इसको हम कहते हैं हेक्टो। ये आपने याद रखना है बेटा, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 2 है इसे हम कहेंगे हेक्टो। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 3 है तो इसको हम नाम देते हैं किलो का। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 6 है तो इसको हम नाम देंगे मेगा। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 9 है इसे हम नाम देंगे गीगा। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 12 है इसे हम नाम देंगे टेरा। तो ये पॉजिटिव पावर्स हैं, इन पॉजिटिव पावर्स को आपने जहन में रखना है कि इन पॉजिटिव पावर्स जो हैं इनके क्या नाम होंगे। ये स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस हैं कि अगर पावर ऑफ 10 आपको गिवन है तो इस पावर ऑफ 10 के स्पेसिफिक जो है प्रीफिक्सेस हैं। इसी तरीके से ये सारी पावर ऑफ 10 प्लस में, बेटा इसको जहन में रखिएगा, ये सारी जो पावर ऑफ 10 है ये प्लस में है। अगर प्लस 1 है तो डेका कहेंगे, अगर प्लस 2 है तो उसको हेक्टो कहेंगे, अगर प्लस 3 है तो उसको किलो कहेंगे, अगर प्लस 6 है इसको मेगा कहेंगे, अगर प्लस 9 है इसको गीगा कहेंगे, और अगर प्लस 12 है, और अगर प्लस 12 है तो इसको हम नाम देंगे, अगर प्लस 12 है तो इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे टेरा का। ये 10 की पावर अगर प्लस में है तो हम 10 की पावर प्लस में इसको हम ये नाम देते हैं। इसी तरीके से 10 की पावर माइनस में आती है बेटा, अगर 10 की पावर माइनस 12 है तो इसको हम नाम देंगे पीको का। अगर 10 की पावर माइनस 9 है इसको हम नाम देंगे नैनो का। अगर 10 की पावर माइनस 6 है इसको हम नाम देंगे माइक्रो का। अगर 10 की पावर माइनस 3 है इसको हम नाम देते हैं मिली। अगर 10 की पावर माइनस 2 है तो इसको हम नाम देते हैं सेंटी। और अगर 10 की पावर माइनस 1 है तो इसको हम नाम देते हैं डेसी का। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। या ऑल्दो की क्लास में पहले भी आपको चीजें मेंशन कर चुका हूं लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें ताकि जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस होंगी जिसमें इसको यूज करेंगे और कन्वर्जन में यूज करेंगे वो आपके जहन में रहे। लिहाजा फिर देखिएगा, पावर ऑफ 10 अगर प्लस 1 है, अब मैं दोनों को साथ साथ
रिलेट करके करवा रहा हूँ, इसको अपने ज़हन में रखना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 1 है तो उसको डेका कहा जाएगा, अगर पावर ऑफ 10 माइनस 1 है तो इसको डेसी कहेंगे, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 1 है तो इसको डेका कहेंगे, अगर पावर ऑफ 10 माइनस 1 है तो इसको डेसी कहेंगे, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 2 है तो उसको हेक्टो कहेंगे, अगर पावर ऑफ 10 माइनस 2 है तो उसको सेंटी कहा जाएगा, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 2 है तो उसको हेक्टो कहा जाएगा, अगर पावर ऑफ 10 माइनस 2 है तो उसको हम कहेंगे सेंटी, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 3 है तो उसको किलो कहा जाएगा, अगर पावर ऑफ 10 माइनस 3 है तो उसको मिली कहेंगे, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 3 है तो उसको हम किलो कहेंगे, और अगर पावर ऑफ 10 माइनस 3 है तो उसको हम नाम देंगे सेंटी का, उसको हम नाम देंगे मिली का। अगर पावर ऑफ 10 प्लस 6 है, अगर पावर ऑफ 10 प्लस 6 है तो उसको मेगा कहेंगे, और अगर पावर ऑफ 10 माइनस 6 है तो उसको माइक्रो कहेंगे, और माइक्रो को हम शो करते हैं सिंबल म्यू से। माइक्रो का एक सिंबल होता है बेटा, और इस सिंबल को हम जो है वो म्यू से शो करते हैं। माइक्रो का जो सिंबल है ये देखिएगा, ये ऐसा म्यू कहला, ये कहलाता है म्यू, इसको हम पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम म्यू पढ़ते हैं, और इसके माने होते हैं कि ये माइक्रो, ये सिंबल माइक्रो कहलाता है इसके, और इसके माने क्या होंगे, 10 की पावर माइनस 6 ये माइक्रो कहलाएगा। तो अगर 10 की पावर माइनस 6 है इसे म्यू से शो करते हैं, और इसका सिंबल जो है वो इसके माने क्या होंगे, इसको हम पढ़ेंगे म्यू, सिंबल इसका सामने लिखा हुआ है। अगर 10 की पावर प्लस 9 है तो इसको गीगा पढ़ते हैं, और अगर 10 की पावर माइनस 9 है तो इसको हम पढ़ते हैं नैनो, अगर 10 की पावर प्लस 12 है तो इसको टेरा पढ़ते हैं, और अगर 10 की पावर माइनस 12 है तो इसको हम पढ़ते हैं पीको। याद रखना, अगर पावर ऑफ 10 माइनस में है तो उसके जो भी सिंबल्स होंगे, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये देखिएगा, ये सारे सिंबल्स हैं ये आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में, अगर 10 की पावर प्लस में है तो सारे सिंबल आप देखेंगे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर। ठीक है बेटा, इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें से कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आती हैं, कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आती हैं बेटा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, और इन एग्जांपल्स में जनाब, इन एग्जांपल्स में देखिएगा कि पहली चीज जो आपको यहाँ पर आती है, पहली चीज देखिएगा, पहली चीज जो यहाँ पर आपको दिख रही है, पहली चीज जो आपको नजर आ रही है इसमें, ये कुछ कन्वर्जन है। जैसे आप यहाँ देखिए दिख रहा है आपको कि 1 नैनो सेकंड, नैनो के माने क्या, 10 की पावर माइनस 9, तो 1 नैनो सेकंड जो है वो 10 की पावर माइनस 9 सेकंड के बराबर है, 1 नैनो सेकंड जो है वो 10 की पावर माइनस 9 सेकंड के बराबर है, और 1 माइक्रो कूलम नजर आ रहा है, माइक्रो के माने 10 की पावर माइनस 6, तो 1 माइक्रो कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 कूलम के। इस तरह मिली के माने देखिए, मिली के माने हैं 10 की पावर माइनस 3, तो 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 लीटर के इक्वल होगा। इसके बाद हम आते हैं जनाब एक छोटा सा टॉपिक जो आप फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये टॉपिक है एरर, कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, एरर को हम डिफाइन करेंगे, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एरर हम कहते हैं बेटा कि एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। देखिए आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी तो आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, 10th वालों ने 9th में अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए हैं तो प्रैक्टिकल्स, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक्सपेरिमेंट की एक वैल्यू होती है। आप पूछते हैं कि सर ये आंसर ठीक है या गलत, इसके माने एक स्पेसिफिक आंसर मौजूद है। अब अगर आपने कोई प्रैक्टिकल किया और आपने एक रिजल्ट फाइंड किया, उस रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट में अगर डिफरेंस आ रहा है, उस रिजल्ट में
और एक्चुअल रिजल्ट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये एरर है, यानी आपने सही कैलकुलेशन नहीं की, आपने सही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आया, इसे हम एरर का नाम देते हैं। अब एरर जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पर्सनल एरर, एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर और एक को हम कहते हैं रैंडम एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? एरर विच अराइजेस ड्यू टू मेकिंग अ मिस्टेक इन रीडिंग अ स्केल, रीडिंग अ स्केल इज कॉल्ड पर्सनल एरर। कि आप जो रीडिंग नोट करते हैं, अगर आपने रीडिंग नोट करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी, क्या आपने जो है वो दो चार पॉइंट्स आगे पीछे करके रीडिंग नोट कर ली, आपसे प्रॉपर रीडिंग नोट नहीं की गई कि जिस तरह आपको रीडिंग नोट करनी चाहिए आपने उस तरह से रीडिंग नोट नहीं की, तो इसे हम कहेंगे पर्सनल एरर इसे कहा जाएगा। जो आपके जरिए हम जब कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेशन में अगर हम कोई मिस्टेक कर जाए और रीडिंग प्रॉपरली हम नोट नहीं कर पाए तो इसे हम नाम क्या देंगे? इसे हम कहेंगे पर्सनल एरर। रीडिंग अगर आपने गलत नोट की है तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर होगा वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा, और एक्चुअल वैल्यू में और हमारी मेजर्ड के वैल्यूज के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर का नाम देंगे कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। लिहाजा अगर हमने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशंस नोट नहीं की, उसमें हम कोई मिस्टेक कर गए, तो ऐसे एरर को हम नाम देते हैं पर्सनल एरर का। इसके बाद एक होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर पहले आप देखें बेटा ये क्या कहलाएगा, एरर विच अराइजेस ड्यू टू मेकिंग अ मिस्टेक, सॉरी द एरर कॉज ड्यू टू द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। पहला एरर क्या हो गया? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के क्या माने हुए कि हो सकता है कि हमने कैलकुलेशन के दौरान जो रीडिंग नोट करनी हो उस ऑब्जर्वेशन को फिल्ड करने में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो और इसकी वजह से वो आंसर सही नहीं आ रहा। एक एरर होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हम कहेंगे कि हो सकता है कि आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद हो। लिहाजा अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो ऑब्वियसली आप जो भी रीडिंग नोट करेंगे वो गलत हो जाएगी। लिहाजा अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई खराबी है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद है, तो उसे हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। आप जब फिजिक्स में प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल के दौरान आप कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर कहते हैं, इसके अलावा आप जो है वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा इनके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है और उस इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर, और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके सिस्टमैटिक एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं। कि अगर हम सिस्टमैटिक एरर को जीरो से चेक करना चाहें, जीरो को यूज करके हम उस एरर को देखना चाहें, रिमूव करना चाहें, तो सिस्टमैटिक एरर को जीरो एरर भी कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको ये बात ज्यादा वाजे हो जाएगी। तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो जाएगा बेटा? जो जीरो एरर है और ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कॉज की वजह से, कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर मौजूद है तो उसकी वजह से जो हमारी वैल्यूज सही नहीं आ रही हैं, उसे हम नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर या जीरो एरर। तो पहला क्या हो गया? पर्सनल एरर, जो हमसे गलती हो रही है, हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो रही है या ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो हो जाएगा पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर, जो इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, हमने उसको सही नहीं किया, प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर, उसे कहा जाता है। और इस सिस्टमैटिक एरर को हम समटाइम जीरो एरर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं रैंडम एरर। द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन
इज कॉल्ड पर्सनल एरर. समटाइम्स आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं और वो जो एरर कहलाता है वो रैंडम एरर कहलाता है. अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है, प्रेशर का इफेक्ट आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कहलाती हैं. और इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है और इस एरर को हम नाम देते हैं रैंडम एरर का. कि प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ चीजें आपको कॉन्स्टेंट रखनी होती हैं, वो कॉन्स्टेंट नहीं हो पा रही हैं, तो जो एरर राइज करेगा उस एरर को हम नाम देंगे रैंडम एरर का. तो एरर हम कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यूज और मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है, कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका आंसर एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसको हम नाम देंगे एरर का. अब एरर तीन तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, टाइप्स तीन तरह की हैं. पर्सनल एरर, जो हमारी मिस्टेक्स की वजह से हो जाए, गलत हैंडलिंग की वजह से हो जाए, गलत मेजरमेंट की वजह से हो जाए, गलत रीडिंग नोट करने की वजह से हो जाए, ये कहलाएगा पर्सनल एरर. सिस्टमैटिक एरर और जीरो एरर, जो इक्विपमेंट के एरर की वजह से, इंस्ट्रूमेंट खराब है, आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो ऑब्वियसली रीडिंग खराब आएगी, गलत आएगी, डिफरेंट आएगी, उसे हम नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर का. और एक होगा रैंडम एरर. रैंडम एरर क्या होगा बेटा, कि रैंडम एरर हम कहेंगे कि अगर कंडीशन, जो लेबोरेटरी की कंडीशंस हैं, अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, आपका आपको प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन रखना है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको अगर प्रेशर नॉर्मल रखना है या टेम्परेचर नॉर्मल रखना है और वो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसे हम नाम देते हैं रैंडम एरर का. तो ये तीन तरह के एरर हैं, इसको अगर हम रिमूव कर लें तो हमारा जो है वो एरर रिमूव हो जाएगा और प्रॉपर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी. और इस तरह चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 3. मैं आपको पहले ये बात इन्फॉर्म कर चुका हूँ बेटा, ये इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि देखें एक्चुअली है क्या, एक्चुअली जो है कि जो चैप्टर 1 बहुत छोटा सा था, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स थी, चैप्टर 2 छोटा है, लेकिन ये चीजें आगे इस्तेमाल करेंगे. जिस तरह आज मैंने एक लेक्चर आपको जो है, एक लेक्चर